आइए दोस्तों, खंडवा के की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए उर्दू दुनिया के मकबूल मारूफ और मशहूर शायर जनाबे सुफियान काजी से सुनते हैं उनका कलाम के हमें बहकाने वाले हमें बहकाने वाले इसलिए तो मार खाते हैं, हमें बहकाने वाले इसलिए तो मार खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल करें जनाबे सुफियान काजी। जी 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 बस तीन चार शायर बचे हैं, अगर आप सब थोड़ा सा और माहौल बना देंगे तो अच्छा मुशायरा हो जाएगा, कम से कम उसका अंजाम अच्छा हो जाए। एक मतले से अपने बात शुरू करता हूँ, बात अच्छी लग जाए जहाँ जहाँ तक पहुँचे, आपकी दुआएं मोहब्बतें चाहूंगा, बंदा हासिल करता हूँ जी सुफियान के। दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। वाह 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 वाह। अगर दूसरा मिसरा लग जाए तो एक शख्स की तवज्जो मोहब्बत मुस्तक आना चाहिए। क्या कहने से दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं, खबर अखबार में छपती है जब वो दान। क्या कहने हैं गरीबों पर बड़ा एहसान कर, बहुत खूब बहुत बहुत खबर अखबार में छपती है जब भाई थोड़ी सी आवाज सेट कर दे। अच्छा जी हाजिर करता हूँ एक मतलौर के पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में, पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में। हसन भाई शेर देखिएगा कि पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में पनप रही है जहालत हमारी बस्ती में। वाह 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 वाह। के पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में पनप रही है जहालत हमारी बस्ती में, हसद अब जिसको खाने लगी है जलन से गुजर जाने लगी है। क्या कहने सुफियान भाई, वाह वाह। अभी शेर पे आप सबकी तवज्जो चाहूंगा कि हसद अब जिस्म को खाने लगी है भाई, वाह वाह वाह, जलन से गुजर जाने लगी है, बचाले हाथ फैलाने से यारब वाह, जरूरत पांव फैलाने लगी है। बचाले हाथ फैलाने से यारब, बचाले हाथ फैलाने से यारब। खालिद भाई आपसे थोड़ी सी तवज्जो, जिसे आप चैन से थोड़ा सा, सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आप पढ़िए पढ़िए, वो मेहमानों को रवाना कर रहे हैं, आप पढ़िए। सुफियान बयान के वाह वाह वाह, के हसद अब जिसको खाने लगी है, जलन से गुजर जाने लगी है, बचाले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है, बचाले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है, जरूरत पांव फैलाने लगी है। जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम। जफर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम, हम एक मानते हैं खुदा को ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। वाह 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 वाह। समझ में आ गया तो एक बार ताली बजा के मुझे बता दें। वाह वाह वाह। शुक्रिया के जी हाजिर कर देता हूँ, फोटो खींच लो भाई। के जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम, हम एक मानते हैं खुदा को ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। एक मतलब शेर और हाजिर करता हूँ के रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। वाह। आप जानते हैं कि फेसबुक का जमाना, इंटरनेट का युग, एक आदमी छोटी छोटी चीजें हजारों लोगों से शेयर करता है, उसी में मैंने एक पहलू तलाश किया, मैं कोशिशों में कहां तक कामयाब हुआ हूं, फैसला आप करेंगे। कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद, उसने भी फेसबुक पे बनाए हजार दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहुत अच्छा ख्याल है, शुक्रिया वाह 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 भाई वाह 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 जी शुक्रिया जी हाजिर कर देता हूँ के जी रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद उसने भी फेसबुक पे बनाए हजार दोस्त जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद हमने खुदा के डर से ना छोड़ी हराम चीज कहने से डॉक्टर के किया है हलाल बंद सुफियान भाई क्या तंज है भाई इतनी देर में दांत दे रहे हैं जब तक शेर नागपुर पहुंच जा रहा है अरे वाह 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 शुक्रिया के रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद वाह वाह उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद उसने भी फेसबुक पे बनाए हजार दोस्त जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद हमने खुदा के डर से ना छोड़ी हराम चीज कहने से डॉक्टर के किया है हलाल बंद हम अपना वो तौर पुराना भूल गए एक थाली में मिलकर खाना भूल गए अच्छा है भाई हम अपना वो तौर पुराना भूल गए एक थाली में मिलकर खाना भूल गए गैरों पर तो खूब उठाया अपनापन लेकिन हम अपनों से निभा भाई वाह 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 तो खूब लुटाया अपनापन वाह 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 लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की हम अच्छा किरदार बनाना वाह 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 कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया बासी खाना हम अपना वो तौर पुराना भूल गए थाली में मिलकर खाना भूल गए बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना वाह 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 बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया वाह 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 भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए गाय को हमने रोटी देना याद रखा वाह 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 लेकिन माँ को खाना खिलाना वाह 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 सुफियान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद के गाय को हमने रोटी देना याद रखा लेकिन माँ को खाना खिलाना भूल गए अभी तो है मासूम की स्कूल जाने की अभी से फिक्र खाए जाती है उसको महबूब साहब ने अपना नाम बताया महबूब साहब ने दादी की मोहब्बतों का शुक्रिया के जी ठीक अता करें जी हाजिर करता हूँ अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की मैं खुद भी स्पीड में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप तक ज्यादा से ज्यादा शेर पहुँचा सकूँ और आपकी दाद भी मुझे जल्दी जल्दी आना चाहिए कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की वाह 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 आज से 1400 बरस पहले जब बेटियों का पैदा होना ऐब समझा जाता था और उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था जिंदा दफन कर दिया जाता था आज 1400 बरस होने के बावजूद भी लोगों की ज़हनियत नहीं बदली अगर इतने अरसे में कुछ बदला है तो सिर्फ कत्ल करने का अंदाज में शेर पेश कर रहा हूँ कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थी और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें वाह 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 सुफियान भाई क्या कहने सुफियान भाई सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थी बहुत अच्छे और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है अच्छा है बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है आप जानते हैं कि चिड़िया के बच्चे को जब इंसान हाथ लगा देता है छू देता है तो चिड़िया अपने बच्चे को मार देती है इसी के पीछे मैंने एक वजह तलाश करी और ये शेर कहा मैं कोशिशों में कहां तक कामयाब हूं फैसला आप करेंगे कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है कहीं इंसान के छूने से नहीं नहीं सांझ जैसा हो जाए इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा वाह 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 सुफियान भाई क्या कहने वाह वाह कहीं एक बार ताली बजा के मुझे बता दें वाह वाह वाह
जो नवाजिश मोहब्बत है के बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कहीं इंसान के छूने से ना इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। वाह वाह वाह, शुक्रिया के आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की भाई। वाह वाह सुफियान भाई, इस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। सिर्फ दो मिनट की एक नज़र और आपकी जहमत तमाम हमारे कमर भाई की फरमाइश है कि मुखाग्नि जिसका अनुमान पिछले दिनों एक वृद्ध आश्रम में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, वृद्ध आश्रम जहाँ बुजुर्गों को रखा जाता है ओल्ड हाउस, वहाँ उनके दर्द को मैंने महसूस किया और एक नज़्म कही जिसका अनुमान मैंने रखा मुखाग्नि। आखिरी वक्त में जो चिता पे आग दी जाती है, जलाया जाता है, उसको मुखाग्नि कहते हैं। इसको जहन में रखें, दो मिनट थोड़ी संजीदगी से सुन लें। आखिरी मिसरे तक आपकी तवज्जो चाहूंगा कि लिखा है उसने ये जीवन का सार कागज पर, जो दिल में था यूं निकाला गुबार कागज पर। वाह वाह वाह, रस्ते हाथों से ये चश्मे नम से लिखा है, ये बूढ़े बाप ने खत आश्रम से लिखा। क्या कहने क्या कहने, मैं इस भरम में था जिंदा के शान है बेटा, मेरा वकार मेरी आन बान है बेटा, जिगर का टुकड़ा है मेरा जहान है बेटा, मैं भूला खुश था मेरा जवान है बेटा। तू मन्नतों का बदल था, दुआओं का फल था, लुटाया आज को अपने के तू मेरा कल था, उम्मीदें तुझसे जो बांधी थी चकना चूर हुई, यूं रफ्ता रफ्ता गलत फहमियां भी दूर हुई। गमों को बांट के होठों को था हंसी देना, सहारा बन के मेरा तुमको था खुशी देना, रखा है तुमने मुझे ऊपर अंधेरे में एक चराग का था काम रोशनी देना। समझ रहा था बुढ़ापे का तू सहारा है, तू मेरी लाठी है, आंखों का मेरी तारा है, खुशी जो देगा उसी को तू दर्द बांटेगा, जो साया देगा उसी पेड़ को तू काटेगा। वाह वाह, बजाए सेवा के, बजाए सेवा के सेवक बना दिया मुझको, खुशी के मौकों पे अक्सर भुला दिया मुझको, बजाए प्यार के तकलीफ दी सदा तूने, मैं अपने जिस्म को तुझको न दूंगा भूलने। उजाला देना था तुझको था रोशनी देना, मगर दिए गया था एक काम आग भी देना, तमाम उम्र जलाया है तुमने ऐ बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। वाह वाह वाह।